नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। भारत ने वो कर दिखाया है जो अमेरिका और चीन जैसे देश शायद ही अगले 10 सालों में कर पाए। HAL के कैट्स प्रोजेक्ट पर कुछ बड़े अपडेट्स निकल कर आए हैं जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत लगातार एक के बाद एक घातक हथियार दुनिया के सामने रखता जा रहा है, और ऐसा ही कुछ हुआ था एरो इंडिया इवेंट के दौरान, जहां पर HAL ने एक बहुत ही क्रांतिकारी या फिर कह लें दुनिया के सबसे घातक एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट सामने रखा था। और इस कॉन्सेप्ट का नाम था CATS, यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, जिसमें अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे UAVs को एक मदरशिप के थ्रू कंट्रोल करके उसे ऑपरेट किया जाता है। इनमें तीन तरह के ड्रोन्स होते हैं, कैट्स वॉरियर, कैट्स अल्फा और कैट्स हंटर। आसान भाषा में कहें तो ये ड्रोन्स लॉयल विंगमैन से बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं। वैसे हम इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने एक सेपरेट वीडियो में काफी डीपली समझाया हुआ है। अगर आपको इस प्रोजेक्ट को गहराई से समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि अपडेट क्या है। तो अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि जिस तरह से पहले भारतीय वायुसेना के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया जा रहा था, वैसे ही भारतीय थल सेना के लिए भी कैट सिस्टम बनाया जाएगा। हालांकि एयरफोर्स के लिए बनाए गए कैट से काफी अलग रहेगा। HAL ने जानकारी दी है कि आर्मी के लिए भी इसका एक वेरिएंट तैयार किया जाएगा, जिसमें भारतीय वायुसेना से डिफरेंट वेपन पैकेज और डिफरेंट मिशन प्रोफाइल्स होंगी। इसमें ड्रोन्स प्रेजेंट वॉरियर ड्रोन से छोटे होंगे और मदरशिप की जगह इन्हें ग्राउंड से कंट्रोल किया जाएगा। HAL का इंजीनियरिंग और R&D डिपार्टमेंट इंडियन आर्मी के साथ काम कर रहा है, ताकि आर्मी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को समझा जा सके और उसी के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया जा सके। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है, और इस तरह के कॉन्सेप्ट पर ना तो चीन काम कर रहा है और ना ही अमेरिका। हालांकि इससे मिलते जुलते प्रोजेक्ट पूरी दुनिया भर में चल रहे हैं, लेकिन HAL का दिया गया ये कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक है। जहां एक ओर 2025 में भारतीय वायुसेना के लिए कैट सिस्टम तैयार कर लिया जाएगा, तो वहीं उसके बाद फिर इंडियन आर्मी के लिए भी इसका एक वेरिएंट बनाए जाने की खबर है। बाकी इस सिस्टम के युद्ध में क्या क्या फायदे हैं, किस तरह से ये परफॉर्म करता है, अगर आपको ये सब जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वो डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये कमेंट सेक्शन में बताएं, और लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।